हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग वेल्डिंग मशीन का अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आईबेल का वेल्डिंग मशीन है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसका आज हम लोग वेल्डिंग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा कैमरा मैन है, ये मेरा पूरा शूट करता है सब। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये है वो डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आईबेल का वेल्डिंग मशीन है और इसे अभी हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। तो इसका अनबॉक्सिंग मैं अभी आपको दिखाऊंगा मशीन को बाहर निकल के। तो गाइस ये वेल्डिंग मशीन के बॉक्स में और एक बॉक्स था, उसको भी हम लोग अभी अनबॉक्स करेंगे। इस बॉक्स में हमको ग्लासेस दिए गए हैं, वेल्डिंग मशीन के ग्लासेस, ये आपके आईज को प्रोटेक्ट करेगा। और भी इसके अंदर वायर ब्रश दिए गए हैं और इसके पीछे जो आप वेल्डिंग करने के बाद जो फ्लक्स आता है उसको तोड़ने के लिए ये पीछे की तरफ आपको हैमर भी दिया गया है। ये हैमर और वायर ब्रश दोनों के काम आता है। ये सेकेंड चीज़ अंदर दिया गया है और अंदर वेल्डिंग के केबल्स दिए गए हैं। ये माइनस प्लस का केबल दिया गया है, इसको अभी हम लोग वेल्डिंग मशीन में डाल के दिखाएंगे आप लोग को। तो इसको रखते हैं साइड में। तो गाइस ये है वो वेल्डिंग मशीन, इसको भी हम लोग खोलते हैं। तो गाइस ये आईबेल का वेल्डिंग मशीन है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईबेल करके लिखा है। और गाइस इसके अंदर पेज नंबर 2 पे सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए गए हैं, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। तो इसका मैं पिक्चर डालूंगा स्क्रीन पे। तो गाइस यहाँ पे बेल्ट दिया गया है, ये आप लोग हैंग करके आप लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पे आप लोग को 3 इंडिकेशंस दिया गया है, एक है पावर, हीट और डीसी करके। ये ओवर हीट होता है तब ये ग्लो होता है, और ये पावर का, ये आप लोग जब प्लग लगाएंगे तभी ग्लो हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को वोल्टेज रेगुलेटर दिया गया है, ये आप लोग को करंट इनटू 100 बनाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक आर्क नॉब दिया गया है, आप लोग को वेल्डिंग मोटा या बारीक चाहिए यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइस साइड में देख सकते हैं आईबेल की वेजिंग है और यहाँ पे वेंटिलेटर्स दिया गया है हीट पास आउट होने के लिए। तो गाइस अभी पीछे की तरफ जाते हैं, फिर पीछे की तरफ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फैन दिया गया है हीट को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ से भी वेंटिलेटर्स देख सकते हैं, पूरे सब जगह से दिए गए हैं हीट को बाहर निकालने के लिए। और गाइस यहाँ पे पीछे की तरफ ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। और गाइस ये पावर केबल है, इसको अभी हम लोग दिखाएंगे कितना लंबा है। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत लंबा है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग केबल डालेंगे। तो गाइस ये जो रेड वाला है ना, ये माइनस में जाएगा, और ये जो क्रोम वाला है ना वो प्लस में जाएगा। तो गाइस एक्चुअली ये वाला है वो वेल्डिंग करने के लिए और ये वाला अर्थिंग होने वाला है। तो गाइस अभी इसको एक बार हम लोग ऑन करके दिखाएंगे। तो गाइस ये वेल्डिंग मशीन 220 एम्पियर्स तक लास्ट जा सकता है, उसके ऊपर ये नहीं जा सकता है। और गाइस यहाँ पे नॉब दिया गया है, ये आप लोग जितना घुमाएंगे उतना इसका पावर बढ़ेगा और जितना कम करेंगे उतना पावर इसका कम होगा। ये 21 एम्पियर्स तक लास्ट जाता है, यहाँ पे आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, ये 21 एम्पियर्स तक लास्ट जाता है। और इसका जो दूसरा नॉब है ये आर्क एडजस्ट करने के लिए, इसका मतलब आपको कितना मोटा वेल्डिंग चाहिए ये नॉब घुमा के आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप लोग को पावर इंडिकेशन जो लाइट दिख रहा है, मशीन ऑन किया इसलिए दिख रहा है। और यहाँ पे हीट का भी लाइट दिया गया है, वो अभी जला नहीं है, क्योंकि ये कब जलता है, जब मशीन बहुत ज़्यादा हीट होता है तब ये
लाइट चलता है। और यहाँ पे इसका दो केबल्स डालने के लिए ये सॉकेट दिया है, इसमें आप लोग केबल डाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक 100, शेयर 100 और सब्सक्राइब 100।